नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। एक हमारे साथ जातक जुड़े हैं और कह सकते हैं कि लेडी जुड़ी हैं, और इनकी जो उम्र है 30 साल है, लेकिन 6 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। तो इन्होंने कम्प्लीट डिटेल मांगी है बच्चों को रिलेटेड, कि बच्चा हुआ कि नहीं होगा और कितने टाइम में होगा और क्या कंडीशनें हाथ में बन सकती है। तो कुल मिला के इस हाथ को पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, जो इनका मेन क्वेश्चन है, जो इन्होंने मेन क्वेश्चन किया है उसको कवर करेंगे पूरी डिटेल के साथ, कि इनके हाथ में संतान सुख है कि नहीं है, और हैवी है तो क्या होगा। तो अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। अगर आपको कोई परेशानी, कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हाथ को पढ़ना और बच्चे की कंडीशन को देखते हैं। पहले देखिए, अगर किसी का लेडी का पाम आपके पास है और जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाथ में विवाह की स्थिति क्या है, सॉरी बच्चों की स्थिति क्या है, तो पहले आप यहाँ पर गुरु पर्वत पर नज़र डालें। इनका गुरु पर्वत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसके ऊपर एक प्रॉपर क्रॉस का सिंबल बनता हुआ आपको दिखेगा। तो ये तो तय है कि यहाँ पर विवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है इनका, तो मतलब विवाहिक जीवन अच्छा है। तो ये हम नहीं देखेंगे, पति की तरफ से सभी सुख होंगे और बच्चे का सुख भी इनको मिलेगा, इसे कंफर्म होता है कि इतने पॉजिटिव साइन जो है गुरु पर्वत पर मिलते हैं, तो आपको ये देखने मिलता है कि यहाँ पर बच्चों का भी सुख मिलेगा। हालांकि 6 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कंफर्म यहाँ पर हूँ, 100% श्योरिटी हूँ कि बच्चों का सुख इनके जीवन में लिखा है, ये कंफर्म यहाँ पर गुरु पर्वत से नज़र आ रहा है। साथ में उसके बाद हम शुक्र पर्वत को देखते हैं। शुक्र पर्वत भी आपको वेल डिवेल्प दिखेगा और जो है हालांकि चिंताएं की लाइनें हैं, लेकिन दबा हुआ माउंट नहीं है। ख़ास तौर पर अगर संतान के बारे में आपके पास क्वेश्चन आता है, अगर हाथ आप देख रहे हैं, तो गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत आपको मेनली देखना चाहिए कि दबे हुए हैं कि नहीं। तो बिल्कुल वेल एंड गुड है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, तो ये कन्फर्म है कि बच्चों का सुख मिलेगा। साथ में उसके बाद नज़र जाती है आपकी अंगूठे पर। अंगूठे पर देखें, अंगूठा जो है यहाँ पर अंगूठे के इस पोर को आप देखें, इस पोर कर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए क्यों यहाँ पर लेट हो रहा है, क्योंकि आपको जो लाइन है, लाइनों पर जो है आइलैंड जो बन रहे हैं कम बन रहे हैं और वो स्टार्टिंग में नहीं बन रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में ये नहीं बन रहे हैं, बीच बीच में जाकर ये बन रहे हैं और मैरिज के कह सकते हैं कि थोड़ा लेट हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि आइलैंड भी छोटे छोटे हैं, कोई बड़े आइलैंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो बच्चों की जो चीज़ें हैं वो लेट हो रही हैं इनके जीवन में, लेकिन आइलैंड बने हुए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो है संतान होगी। और मेनली कंडीशन हाथ पे नज़र आ रही है कि एक लड़का और एक लड़के की कंडीशन यहाँ पर मुझे हाथ में नज़र आ रही है, बिल्कुल कन्फर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके साइन में अलग से और भी आपको दिखाऊँगा, लेकिन इस कंडीशन से, इस एरिए से आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक दो जो है छोटे यहाँ पर आइलैंड बन रहे हैं, एक बड़ा आइलैंड बन रहा है। तो मतलब एक लड़का और एक लड़की कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। साथ में आपको जो अंगूठे पर एक यप का सिंबल बनता हुआ दिखेगा, ये भी प्रॉपर बंद है, खुला हुआ नहीं है, और ये भी बताता है कि हाथ में जो स्थिति है बच्चे की और जो सुख है वो मिलेंगे, ये कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। साथ में आप यहाँ पर देखें, मैंने आपको एक पहले काफ़ी वीडियो में बताया भी है, इस क्षेत्र को देखें, जो विवाह रेखा इनके हाथ में आपको दिख रही है, उसके ऊपर वाले हिस्सों को आप देखें, आपको यहाँ पर नज़र आएगा काफ़ी छोटी छोटी लाइनें भी हैं, यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें भी हैं और कुछ बड़ी लाइनें भी आपको दिखेंगी। तो ये भी यहाँ पर कंफर्म होगा कि हाथ में एक जो है बॉय की कंडीशन हाथ में बन रही है और एक जो है गर्ल की कंडीशन हाथ में बन रही है, तो ये कंफर्म है। अब आता है सवाल कि कब होगा। अब ये कंडीशन, ये तो साफ होगा कि यहाँ के हाथ में संतान सुख है और एक लड़का और लड़की की यहाँ पर कंडीशन हाथ में बन रही है, और अब कब होगा इसके बारे में कंफर्मेशन देख लेते हैं। इनके आप लाइफलाइन को देखिए, लाइफलाइन में कहाँ से प्रोग्रेशन शुरू हुआ, पहले तो 30 साल की एज यहाँ पर दिख रही है और स्टार्टिंग से ही यहाँ पर हाथ में आपको ऑफशूट बनते हुए आपको दिखेंगे। और देखिए पहले तो ये ऑफशूट जो है स्टार्टिंग में नहीं है,
और ये जो बन रहे हैं ये कम से कम 31-32 की एज में आपको बनते हुए दिखेंगे और उभार इस पर नज़र आता हुआ आपको दिखेगा। हाथ में आप मंगल रेखा देखें, मंगल रेखा आप यहाँ पर देखेंगे, ये मंगल रेखा इनकी चल रही है और इसकी जो एज बन रही है 32 साल बन रही है। 32 से 31 साल में एक मंगल रेखा शुरू होती हुई दिखेगी। तो मंगल रेखा जो है सीमेन लाइन जो है सिस्टर लाइन होती हैं, ये किसी का सपोर्ट होता है या फिर कोई भी व्यक्ति इनके साथ जुड़ता है, वो बच्चा हो गया या फिर कोई भी इंसान हो गया जो सपोर्ट इनको देगा। तो हाथ में वही कंडीशन लग रही है कि 31 से मतलब 1 से 2 साल में जो है बच्चे की जो खुशखबरी है या फिर बच्चों का जो सुख है इनको मिलने के पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पर लगती हुई दिख रही है। तो बिल्कुल घबराए नहीं, हाथ में संतान सुख भी आपको है और बिल्कुल कन्फर्म है कि मिलेगा, क्योंकि ये जो सिस्टर लाइन है आगे जाकर और प्रोमिनेंट हो रही, और लाइनें इसमें जो ऐड हो रही हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि एक मल्टीपल बॉयज है, कह सकते हैं कि संतान है, ऐसा नहीं कि एक है और एक ही रहेगा, इसमें आपको दो कंडीशनें हाथ में बनती हुई दिखेंगी। और उसके बाद जो है प्रोग्रेशन भी काफ़ी हाई आपको दिख रहा है, ऑफ शूट नज़र आ रहे हैं, जो ये बताता है कि लाइफ में प्रोग्रेशन भी रहेगा, बच्चों का सुख भी रहेगा, क्योंकि इनका गुरु पर्वत काफ़ी स्ट्रांग आपको दिखेगा। कोई माउंट यहाँ पर दबा हुआ नहीं है, हालांकि सूर्य थोड़े से दबे हुए हैं और लेकिन कोई माउंट आपको दबा हुआ नहीं है, और तो ये कंडीशन हाथ में बनती हुई दिख रही है। तो हालांकि उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है जो इन्होंने क्वेश्चन किया था बच्चों से रिलेटेड। तो कुल मिला के हाथ में सभी इंडिकेशंस हाथ में नज़र आ रहे हैं कि हाथ में संतान सुख है और एक लड़का और लड़की कंडीशन हाथ में बन रही है। कम से कम 2 साल, मैक्सिमम 2 साल में आपको बड़ी यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी और चीज़ें जो है बदलती हुई दिखेंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा और संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि हाथ में वो कंडीशन बन रही है। तो उसको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, अगर आप अपना हाथ पड़वाना चाह रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।